ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला, अगर तुसी इस चैनल दे नवे हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो इस दे नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे, वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही शुरू करते हैं अधीन सेवावां चोन बोर्ड पंजाब वालों। इश्तिहार नंबर है जी 15/2021, और जिस दे विच तय है कि इश्तिहार प्रकाशित होने की मिति है जी 8/10/2021, और इस दे विच ऑनलाइन अर्जियां अप्लाई दे लई जो इसकी शुरुआत है वह 11/10/2021 तो शुरुआत हो रही है, और लास्ट इसकी जो तरीक है एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करन दी 31/10/2021, और फीस भरन दी तरीक हैगी है जी 3/11/2021। तो इस दे विच दस्सिया कि पंजाब सरकार दे डेयरी विकास विभाग पंजाब SAS नगर तो प्राप्त होए ग्रुप सी दियां असामियां दे मंग पत्र अते उन्हां असामियां दे वर्गीकरण अनुसार विभाग विच डेयरी विकास इंस्पैक्टर ग्रेड 2 दी सिद्धी भर्ती लई 25 असामियां दी भर्ती संबंधी बोर्ड दी वैबसाइट ते योग उम्मीदवारां वल्लों 11/10/2021 तो लैके 31/10/2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। तो स्क्रीन दे तुसी देख सकते हो विभाग दा नाम है जी डेयरी विकास विभाग, और असामी दा नाम है डेयरी विकास इंस्पैक्टर ग्रेड 2, और इस दे विच जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की है, इस दे विच सब तो पहले कि शुड है पास ए डिग्री बैचलर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी दे विच तुहाडी जिहड़ी डिग्री होनी चाहिए है, या बैचलर इन साइंस डेयरी इन डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी हसबेंड्री फ्रॉम रेकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो उस तो बाद है कि मैट्रिक पद्धर तक थोड़ी जी है पंजाबी है वो पास होनी चाहिए है। नैक्सट उस तो बाद इन्हां दी वर्गीकरण है कैटागरी वाइज, और तुसी स्क्रीन दे देख सकते हो जनरल कैटागरी दी 10 असामी है, जिन्हां विच वूमेन वास्ते रिजर्व 3 है, शड्यूल कास्ट M&B दी 3 है, वूमेन वास्ते 1 रिजर्व है, शड्यूल कास्ट R&O दी 2 है, वूमेन वास्ते 1 है, बैकवर्ड क्लास की 3 है, वूमेन वास्ते 1 है, एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 है, वूमेन वास्ते 1 है, उस बाद एक्स सर्विसमैन SC M&B 1 असामी है, उस बाद स्पोर्ट्स जनरल की 1 मैन वास्ते 1 वूमेन वास्ते है, उस बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड अर्थो की 1 है, इकनोमिकल वीकल सैक्शन दी 2 है, जिन्हें एक रिजर्व है। टोटल ये थोड़े को असामी है जी 25 असामी है, जिन्हां दे विच 9 जिहड़ियां वूमेन दे वास्ते रिजर्वड है। उस तो बाद है जी इन्हां दा पे स्केल है, इन्हां दा पे स्केल आ जाएगा जी 29,200। उस तो बाद इन्हां दी जो उम्र है उम्मीदवारां दी उम्र 1/1/2021 दे मुताबिक 18 साल तो लैके 37 साल तो वध नहीं होनी चाहिए। अगर पंजाब राज दे अनुसूचित जाति अते पछड़ी श्रेणी के वसनीक उम्मीदवारां दी वध तो वध जो उम्र दी उपरली सीमा है वह 42 साल होएगी, राज अते केंद्र सरकार दे कर्मचारियों दे लई उपरली सीमा वध तो वध 45 साल दी होएगी। उस तो बाद जी फीस का वेरवा, जनरल कैटागरी की जो फीस है 1,000 रुपये, SC BC EWS की 250 रुपये, सबका फौजी आश्रित एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट 200 रुपया,
और फिजिकल हैंडीकैप्ड दी है जी 500 रुपया। उस तो बाद है जी दी चोनवी दी, इस दे विच एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ लिखती प्रीख्या ली जाएगी और योग उम्मीदवार की चोन करन दे लई लिखती प्रीख्या विच्चों अंकां दे आधार ते एक सांझी मैरिट सूची तैयार की जाएगी। उस तो बाद अप्लाई करन दी विधि, उम्मीदवार बोर्ड की वैबसाइट पर ssbpunjab.gov.in ते ऑनलाइन एप्लीकेशन अधीन मुहैया लिंक ते क्लिक करके मिति 11/10/2021 तो 31/10/2021 शाम 5 बजे तक केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। होर किसी भी विधि राही प्राप्त एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। अप्लाई करन दे लई हदायतां प्रोसीजर बोर्ड की वैबसाइट पर मौजूद इस भर्ती के लिंक हेठ दर्ज हैं। उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करन उपरांत इन्हां हदायतों नूं ध्यान नाल पढ़ के ही हर एक स्टेप नूं सफलतापूर्वक मुकम्मल करन। उम्मीदवार बोर्ड की वैबसाइट पर मौजूद भर्ती के लिंक पर क्लिक करके सब तो पहला निजी डिटेल भर के रजिस्ट्रेशन करनगे और रजिस्ट्रेशन सफल होने उपरांत यूजर नेम अते पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिस दी वरतों करके उम्मीदवार फिर लॉगिन करके स्टेप वाइज हर पक्षों मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म भरणगे ते इसनू सबमिट करनगे। उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन भरन समय अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हस्ताक्षर अते लोड़ींदी विद्यक योग्यता जिमें कि मैट्रिक दा जन्म मिति वाला सर्टिफिकेट ग्रैजुएशन अते कैटागरी आदि नाल संबंधित सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करनगे। इन्हां दस्तावेजां दे अपलोड होण अते मुकम्मल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होण उपरांत ही फीस अदा की जाएगी और अप्लाई करनी लोड़ींदी फीस जमा कराउण दी आखिरी मिति है 3/11/2021। तो उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करन उपरांत वैबसाइट ते मौजूद अपलोड फोटो साइन पे फी ते प्रिंट एप्लीकेशन लिंक ते क्लिक करके फीस का भुगतान कर सकनगे। ते उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जमा होण दी मिति तो बाद 1 दिन छड के अगली मिति तो फीस अदा करन दी आखिरी मिति होएगी जी 3/11/2021। किसी भी काम काज वाले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी किसी भी शाखा दे विच चलान राही जा नेट बैंकिंग जा क्रेडिट कार्ड जा डेबिट कार्ड जा UPI राही फीस जमा करवा सकनगे। उम्मीदवार द्वारा लोड़ींदी फीस जमा कराउण उपरांत ही ऑनलाइन अप्लाई करन दी प्रक्रिया मुकम्मल हो सकेगी। जेकर उम्मीदवार वल्लों ऑनलाइन फॉर्म भरन समय कोई गलती हो जाती है तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करन तो पहला ही उस पास फॉर्म विच सोध करन दा मौका होवेगा। उम्मीदवार एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करन उपरांत किसी भी हालत विच किसी भी तरह की सोध नहीं की जाएगी और ना ही भविख विच सोध करन संबंधी उम्मीदवार दी कोई प्रति बेनती जां मंग दफ्तर वालों स्वीकार की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल में सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।